विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम में A18 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोज़े बुध यानी वेनेसडे बतारीख 22 जून का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानब। अचानक से कोरोना वायरस केसेस में इजाफे के चलते तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए अहम ऐलानात किए गए। उनका कहना है फेस मास्क पहला पड़ाव है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। तेलंगाना रियासत में पिछले 24 घंटों में 434 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जिसमें से 292 ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC हदूद से दर्ज किए गए, 71 केसेस रंगारेड्डी जिले से दर्ज किए गए और 28 मिर्चल मलकाजगिरी जिले से दर्ज किए गए। आज कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव अफराद की मौत नहीं हुई। तेलंगाना रियासत में अभी तक 4,111 अफराद की हुई मौत कोरोना वायरस के सबब। एक्टिव केसेस की गिनती 2,680 है। 4 दिन बाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए फसाद के ताल्लुक से सुनवाई की गई। वीडियो सबूत में देखा गया एक नौजवान ट्रेन पर आग लगाते हुए, जिसका नाम पृथ्वी राज किया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हंगामे के बाद दूसरे दिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस और 147 नंगे करने पर केसेस दर्ज किए गए। बताया जा रहा है शुभा राव जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले है वो अहम मुजरिम है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन फसादात में शहर हैदराबाद पहुंचे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान। बरोजे बुध बतारीख 22 जून को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हैदराबाद आए अपनी फिल्म शूटिंग के सिलसिले में और ग्रीन इंडिया चैलेंज 5.0 में शिरकत की, रामोजी फिल्म सिटी पर और पौधे बोए। इस मौके पर राज्यसभा MP जोगिनी पाली संतोष दिगर मौजूद थे। इस मौके पर सलमान खान मीडिया से मुखातिब करते हुए बताया कि पौधे झाड़ अपनी ज़िंदगी में अहमियत रखती है। उन्होंने कहा बहुत अफसोस की बात है इस मुल्क में आवाम सैलाब व जलजले का शिकार होते हुए उनकी मौत हो रही है। ज्यादा पौधे उगाने से क्लाइमेट चेंज पर भी असर होगा। देखिए इसकी कुछ झलकियाँ। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने बुध के दिन कहा अंदेशा है तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों में तेज़ बारिश हो सकती है। बुध के दिन हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 32.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है इस बार 1 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। इसके अलावा ऑफिशियल्स का कहना है आने वाले दिनों में नॉर्थ और सेंट्रल तेलंगाना के इलाके में देर रात के वक्त बारिश होने का अंदेशा है। सबको गुड आफ्टरनून। आज PRT जो पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो है मुगलपुरा में GHMC इंडोर स्टेडियम पे डिजिटल बोर्ड इनॉग्रेशन किया गया, ताकि जो टीचिंग है मोर इंटरेक्टिव हो जाए और न्यू डिजिटल एलिमेंट्स को भी यूज़ करके टीचिंग हो जाए, और साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री आफ्टरनून मील्स भी रख रहे हैं। हमारा ये गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से, जो भी अभी भी जो कोचिंग लेना चाह रहे हैं उन लोग अभी भी आके ज्वाइन हो सकते हैं इस कोचिंग प्रोसीजर पे, एंड ये सारी प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग आ जाए और ये जो मौका है उससे बेस्ट बेहतर यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू सर। अभी तक कितने पार्टिसिपेंट हुए? 300 लोग डेली क्लास पे क्लास आ रहे हैं, उसमें हर हफ्ते भी एग्जामिनेशन भी रख रहे हैं एंड उसमें एवरी संडे एग्जामिनेशन ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं। वो भी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो असली एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन के बाद रैंक्स भी दे रहे हैं एंड उसका जो कीस और जो क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स है और जो प्रॉब्लम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेडीज भी इंकरेज करने के लिए आप लोग और कुछ अवेयरनेस के लिए कम फॉरवर्ड आपकी मीडियम